दोस्तों, वो कौन से तीन श्राप थे जिनके कारण महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण की मृत्यु हुई थी? महावीर कर्ण के बिना महाभारत युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। कर्ण न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे, जिन्होंने बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच कुंडल दान दे दिए। कर्ण जन्म से ही क्षत्रिय थे, लेकिन वह रथ चालक के घर पलकर बड़े हुए, जिससे उनका नाम सूतपुत्र पड़ा। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उनको अंगदेश का राज सिंहासन दिया और जरासंध को हराने के बाद चंपा नगरी का भी राजा बना दिया था। लेकिन इस महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। इन्हें कई ऐसे कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ा जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। अनजाने में किए गए काम और दूसरों की भलाई के चक्कर में इन्हें तीन ऐसे श्राप मिल गए जो इनके लिए प्राणघातक साबित हुए। इन्हीं तीन श्रापों की वजह से महाभारत के निर्णायक युद्ध में इन्हें अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुई। पहला श्राप भगवान परशुराम ने दिया था। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने कर्ण के सूतपुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को जानकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम थक चुके थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तब कर्ण बैठ गए और उनकी जांघ पर सर रखकर परशुराम जी आराम करने लगे। थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आया जिसने कर्ण की जांघ को काट लिया। अब कर्ण ने सोचा कि अगर वह हिले और बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, इसलिए उन्होंने बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। इससे कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा और रक्त की धारा बहने लगी। जब धीरे धीरे रक्त गुरु परशुराम के शरीर तक पहुँचा तो उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम क्रोधित हो गए कि इतनी सहनशीलता केवल क्षत्रिय में हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वह काम नहीं आएगा। दूसरा श्राप कर्ण को दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। एक दिन कर्ण शब्दभेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे, तभी उनको झाड़ियों में किसी जीव के चलने की आवाज़ आई तो उन्होंने समझा कि कोई हिंसक जीव हो सकता है जो यहाँ रहने वाले मनुष्यों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उन्होंने बिना पड़ताल किए बाण चला दिया। वह बाण किसी हिंसक जीव को तो नहीं बल्कि एक गाय के बछड़े को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस बछड़े का मालिक ब्राह्मण था, जो यह सब देखकर दुखी हो गया और क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दिया। ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने असहाय गाय के बछड़े को मारा है उसी तरह तुम्हारी भी असहाय स्थिति में मृत्यु होगी। तीसरा श्राप महाभारत ग्रंथ में नहीं है। एक लोक कथा के मुताबिक कर्ण के श्राप के बारे में कथा मिलती है कि एक बार कर्ण कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक कन्या मिलती है जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने की वजह से रो रही थी। कर्ण ने कन्या से पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, तो कन्या ने उसे बताया कि घड़े में से घी गिर गया है और अब उसकी माँ उस पर गुस्सा करेगी। तब कर्ण ने दूसरा घी से भरा हुआ घड़ा उसे देने का आश्वासन दिया, लेकिन उसने घी लेने से मना कर दिया और कहा कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी चाहिए। कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और उसे निचोड़ने लगे। जब कर्ण ऐसा कर रहे थे तब एक महिला की करहाती हुई आवाज़ सुनाई दी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोलकर देखा तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित होकर धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और उसे श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे पीड़ा दी है उसी तरह निर्णायक युद्ध में मैं तुम्हारे रथ के पहिए को जकड़ लूंगी। धरती माँ के श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धस गया था। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया और कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। यही तीन श्राप थे जो कर्ण की मृत्यु का कारण बने थे महाभारत के युद्ध में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन हिट करना और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि इस वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हो।